वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। तो आज बनाते हैं सूजी से एक बहुत हेल्दी सा नाश्ता, जो बहुत टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर अब छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छा है। शाम के टाइम में भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए ये एक कटोरी सूजी। यहाँ पर रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में मैं उसी कटोरी से नाप के दो कटोरी पानी, जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी से हमें दो कटोरी पानी डालना है। यानी कि अगर हमने एक कटोरी सूजी लेनी है तो दो कटोरी पानी डालना है। अब हम इसको पानी को बॉइल्ड होने देंगे। इस पानी में हम थोड़ा सा डालेंगे, जैसे पानी हमारा बॉइल्ड हो गया है उसी टाइम पे डाल दूँगी मैं देसी घी, और इसी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे डाल दूंगी मैं थोड़ी सी ओरिगैनो, डालूंगी चिली फ्लेक्स। ये अपने टेस्ट के अनुसार हमें जितना तीखा रखना है उस हिसाब से डाल देंगे। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसी में डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और इसको हम अब थोड़ा सा और बॉइल्ड होने देंगे, यानी कि पकने देंगे पानी को। इसी में थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी। इसी पानी में मैं डाल दूंगी सूजी, जो हमने सूजी एक कटोरी वो डाल देंगे। अब इसको हम पका लेंगे अच्छे से, ये सूजी हमारी फूल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है इस तरह से। ये सूजी हमारी पक रही है अच्छे से। इस तरह से आप नमकीन उपमा जो होता है वो भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से उपमा बनता है। ये बनके तैयार हो गया उपमा, मगर मैं उपमा नहीं बना रही यहाँ पे, मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का बहुत बढ़िया नाश्ता, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सूजी हमारी फूल रही है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। यहाँ पर मेरी सूजी हो गई है रेडी, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पर मेरी सूजी ठंडी हो रही है, ये देखिए आप। अब इसको हम अच्छे से बिल्कुल डोसा बना लेंगे। और इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, तो मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। यहाँ पर मेरे आलू थोड़े बड़े, तो मैं इनको पीसेस में, टू पीसेस में कट कर दिया था ताकि जल्दी बॉइल हो जाएं। अब इनको हम छील लेंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इसको, आलुओं को। मैंने आलू डाल दिए हैं, अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। एक डोसा बना लूँगी मैं इसका, देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है बिल्कुल। आप इसको भी किसी भी शेप में, कोई भी शेप दे सकते हैं, और इसको डीप फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको हेल्दी बना रही हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, आप वीडियो को देखते रहिएगा। इसको इस तरह से शेप देंगे, ये ऐसे लंबा बनाएंगे और इसको बीच में यूँ कर देंगे, तो ये शेप आ जाएगा इस तरह का। ये देखिए आप कितना अच्छा शेप लग रहा है। आप किसी भी शेप में इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसको जैसा बनाया है मैंने, इससे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी वो मेरी वीडियो में आगे देखते रहिएगा। मैंने भगोने में पानी रख दिया है और ये बॉइल्ड हो रहा है, इस पर रख दूँगी मैं चलनी, और चलनी में मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब हम एक एक करके इसको रखते जाएंगे इसके ऊपर। ऐसे यहाँ पर रख देंगे, ये स्टीम हो जाएंगे अच्छे से। और इस पर ढक दूंगी मैं एक प्लेट। तो नीचे हमारा पानी बॉइल्ड हो रहा है और ये था स्टीम हो रहे हैं, इसके मैंने ये प्लेट रख दिए। और इसको हम 5 से 7 मिनट तक स्टीम होने देंगे।
खोलकर देखते हैं तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए एकदम अच्छे से। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। डालेंगे थोड़ा सा घी, और घी में मैं डालूंगी देसी घी है ये, इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई और सरसों, इसी में मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता, इसको हम चटकने देंगे अच्छे से। अब इसको हम हल्का सा, क्योंकि ये पके हुए हैं बस हल्का सा टेस्ट इसका अच्छा सा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको हल्के हल्के पूरे हाथ से पलट देंगे और सारा छौंका इसमें लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है साथ में, क्योंकि हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है, इसको बस हमने शैलो फ्राई ही किया है। तो इस तरह से आप सूजी से टेस्टी सा नाश्ता बनाइए और इंजॉय कीजिए शाम की टी।